हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीपाल और आज हम सीखेंगे लिनक्स का रेडहैट एंटरप्राइज मैनेजर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, वीएमवेयर के अंदर आज हम सीख रहे हैं रेडहैट 5.5 को इंस्टॉल कैसे करते हैं लिनक्स को। सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन और यहाँ टिपिकल रखेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलर डिस्क इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने अपनी आईएसओ इमेज चूज़ करनी है जहाँ पर हमारी रेडहैट की आईएसओ इमेज पड़ी हुई है। ओके दोस्तों, मेरी रेडहैट की इमेज ये है, यहाँ पे RHEL वाली ओपन करेंगे। उसके बाद आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये क्यों दिया गया है यहाँ पे, हमने मैंने ये यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी मशीन क्रिएट करे हो, उसके बाद ही मेरा रेडहैट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो। ओके, तो हम पहले कोई मशीन तैयार करेंगे अपनी और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से लिनक्स लेंगे और वर्जन सेलेक्ट करेंगे अपना, जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो। मैं 5 का इंस्टॉल कर रहा हूँ तो 5 चूज़ करूँगा यहाँ से, और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इस मशीन को आप कहाँ सेव करना चाहते हो, वो जगह स्पेस जो आपने दिया होगा, मैं अपने कंप्यूटर पे डी ड्राइव के अंदर कर देता हूँ, जो भी आप लेना चाहते हो उसको नाम, जो भी नाम दोगे आप इसको वो नाम से आप स्टोर कर सकते हो उसको। ओके, LXX के अंदर ये स्टोर हो जाएगी जाके। नेक्स्ट करेंगे, कितने परसेंट आपको इसे हार्ड डिस्क का स्पेस देना है अपने, तो मैं 20 GB दे रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाएंगे। यहाँ से आप इसको रैम दे सकते हो, जितनी आपने रैम देनी है, अगर आपके सिस्टम में रैम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हो। मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है तो मैं इसमें 1 GB रैम दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से अपने सीडी डीवीडी पे क्लिक करेंगे और अपनी आईएसओ इमेज फिर से चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपनी ब्राउज करने के बाद अपनी आईएसओ इमेज, जहाँ पर भी हमने आईएसओ इमेज डाल रखी है अपनी, ये रही मेरी आईएसओ इमेज, ओपन और क्लोज करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। और दोस्तों, हमारी आईएसओ, हमारी जो मशीन है वो बन के तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पावर ऑन करनी है अपनी मशीन की, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। और जैसे पावर ऑन मशीन करेंगे, इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। और अब ये देखो, रेडहैट एंटरप्राइज लिनक्स 5 हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये कह रहा है एंटर की, प्रेस एंटर की। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो बूट करना चाहते हो, तो क्लिक इनसाइड, अंदर की साइड में आप क्लिक करेंगे। क्लिक किया मैंने अंदर की साइड में और एंटर कर देंगे, प्रेस एंटर, जिससे हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। डन। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई हमारी। ओके, यहां पर आपने स्किप करना है, स्किप। स्किप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे हम, फिर से नेक्स्ट, यहाँ फिर से नेक्स्ट, अपने लैंग्वेज वगैरह चूज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये क्या कह रहा है हमसे, ये इंस्टॉलेशन नंबर हमसे मांग रहा है, हमारे पास इंस्टॉलेशन नंबर नहीं है, तो प्लीज़ इसको स्किप करेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो अपना इंस्टॉलेशन नंबर, देन ओके और स्किप करेंगे इसको। वो कह रहा है इरेज ऑल डाटा, मतलब अपने जितने हार्ड ड्राइव को एलोकेट कराई है, 20473 MB जितनी भी दी है आपने, उस एरिया पे वो को वो फॉर्मेट करना चाहता है। ओके, यस करेंगे। और यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे रिमूव लिनक्स पार्टीशन पे और क्रिएट कस्टम लेआउट करेंगे, सेलेक्ट यहाँ से, नेक्स्ट करेंगे।
और यहाँ फ्री स्पेस पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक ऐड पार्टीशन का बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसमें आपने EXT3 पे क्लिक करना है और स्वैप चूज करेंगे। यहाँ से स्वैप को स्पेस इतना देना है आपने जितनी आपने रैम दी है इसको। मैंने रैम इसको कितनी दी थी, 1 GB, मतलब मैं इसको 1024 MB इसका साइज़ दे दूंगा। ओके, बेसिकली ये साइज हमारा स्वैप वाला रैम रैम से रिलेटेड होता है। ओके, जितना स्पेस बचा है उसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे और फिर से न्यू पे क्लिक करोगे। बाकी का सारा स्पेस आपने किसको देना है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा आपको, इसको दे देना है सारा स्पेस 19445 को। ओके, देन ओके करेंगे। इसको हमने टोटल एलोकेट करा दिया अपना, जितना भी स्पेस था सारा एलोकेट नहीं कराएंगे इसको। इसको हम फिर से बना रहा हूँ मैं। आपने जो ऊपर का 45 MB है वो छोड़ देना है, बाकी सारा ले लेना है। ठीक है, 19400 देंगे। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। यहाँ से अपना जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे रूट का पासवर्ड देंगे अपना, जो भी आप रखना चाहते हो। ओके, फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से कस्टमाइज नाउ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ये कुछ चूज़ करने हैं अपने, जो हमारे टूल्स हैं इनको रखना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इससे पहले डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे था, यहाँ से हमने जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चूज़ किया। उसके बाद डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे, डेवलपमेंट में हम लाइब्रेरी लेंगे, डेवलपमेंट लाइब्रेरी, डेवलपमेंट टूल, जीनोम, जावा, KDE, लिगेशी, एक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, सर्वर्स में हम ले सकते हैं जो जो सर्वर आपको चाहिए वो, जिस तरह का आप सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो इस पे। ओके, उसके बाद बेस सिस्टम में जाएंगे, यहाँ से सिस्टम टूल लेंगे और एक्स विंडोज़ तो हमारा ऑलरेडी है। लैंग्वेज में जाएंगे, लैंग्वेज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और आपकी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 5 इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई है। ओके, ये चल रही है अभी तक, अभी 2 मिनट और बाकी है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ से रिबूट करेंगे इसको, रिबूट।
यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे और यस आई एग्री द लाइसेंस एग्रीमेंट फॉरवर्ड। फायरवॉल को डिसेबल करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे यस। सी लिनक्स को भी डिसेबल करेंगे एंड देन फॉरवर्ड यस। फॉरवर्ड करेंगे इसको फॉरवर्ड। नो थैंक्स करेंगे इसको। नो आई प्रेफर टू रजिस्टर एट अ लेटर टाइम। नो थैंक्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड फिनिश देन ओके। स्टार्ट हो गई आपकी इंस्टॉलेशन। लॉगिन करेंगे एज ए रूट यूज़र और उसका पासवर्ड। ओके रूट एंड रेड हैट से लॉगिन करके ओके अब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो भी सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल करना है कर सकते हो। ठीक है ओके बाय। ओके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।